Yes, good morning children, class 9. Today is the day we are about to copy the questions for the homework. As said previously, we had completed the chapter with all the notes and the explanations, and we had collected all the word meanings, difficult words and its meanings. And today is the day we will finally shut the chapter today, and that is with the questions that I have collected for you. These are 20 questions, these are objective questions which I have collected for you to solve in your copy. So here total 20 questions. So instead of going here and there, directly let us come to the point. Basically, I will not going to make very lengthy videos, so that you can easily use less data and less time to see it and to understand it. तो आज जो हम यूज करने जा रहे हैं टाइम का डे का इज विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑब्जेक्टिव टाइम क्वेश्चन आंसर दिस इज अ होमवर्क द फन दे हैड इज अ चैप्टर एंड यू हैव टू फाइनलाइज इट एज यू हैव डन आई थिंक ऑलरेडी फॉर द बुक द प्रीवियस बुक एंड द प्रीवियस चैप्टर वन ऑफ दैट बुक यू नो वेरी वेल विच आर द बुक्स यू हैव क्वेश्चन नंबर वन ऑन व्हाट डेट मार्गी इज राइटिंग ए डायरी आई थिंक डेट पता है ना डेट प्लस ईयर दोनों मिलाकर लिखा जाता है Who found a real book? What did Margie write about in her diary? Margie ने किस चीज के बारे में डायरी में लिखा? तो इसके बाद है How old was Margie and Tommy? उन दोनों का एज बताना है. Where did Tommy find the book? Tommy को बुक कहाँ मिली? I think all these things I have mentioned in the notes. Who told Margie about old age school? आपको पता है? जो नोट्स हमने किया उसमें मार्गी टॉमी मदर के अलावा एक और कैरेक्टर है तो ग्रैंडपा याद रखेंगे आप व्हाट डिड मार्गी मैकेनिकल टीचर गिव अस गिव हर उसको क्या दिया करते थे मैकेनिकल टीचर मार्गी को हु वाज कॉल्ड बाय द मदर क्योंकि मैकेनिकल टीचर में ट्रबल आ जाता मामा ने किसी को फोन करके बुलाया था आई थिंक यू नो वेरी वेल फॉर व्हाट शी वाज कॉल्ड नॉट शी वाज कॉल्ड हु वाज कॉल्ड बाय द मदर फॉर व्हाट ही वाज कॉल्ड He means the person जो मार्की के मामा ने फोन करके बुलाया था इसको रिपेयर करने के लिए तो फॉर वॉट ही वॉज कॉल्ड ही मीन्स वो व्यक्ति जिसको बुलाएगा किस बात के लिए तो आप जान रहे हो किसको रिपेयर करने के लिए वॉट सेक्शन ऑफ द मैकेनिकल टीचर वॉज एट फॉल्ट किस सेक्शन में प्रॉब्लम थी हाउ लॉन्ग डिड द इंस्पेक्टर टेक टू सेट द मैकेनिकल टीचर कितना टाइम लगा एट वॉट एज डिड मार्की लर्न द पंच कोड इन विच सब्जेक्ट मार्गी वॉज डूइंग वर्स बेकार कर रही थी जिसमें उसका बहुत पोअर मार्क्स आ रहा था हु इज द ऑथर ऑफ द फन दे हैड वॉट वॉज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी जो बुक टॉमी को मिला उस बुक के बारे में है कि मार्गी को उस बुक में क्या स्ट्रेंज लगा अजीब अलग वेयर वॉज मार्गीज स्कूल वॉट सेक्शन वॉज इन ट्रबल इन टॉमीज कंप्यूटर फिर टॉमी के कंप्यूटर की भी बात हो रही है उसमें क्या ट्रबल थी एक और क्वेश्चन चाहते तो ऐड कर देते इसी में What section was in trouble in Tommy's computer? On what days Margie did not study? And कौन कौन से दिन वो नहीं पढ़ती थी Why did Margie not like her virtual teacher? Why did क्यों नहीं पसंद करती थी virtual teacher को And what all things she liked about the old schools? और एक add कर सकते थे लेकिन चलेगा अगर मैं verbally भी बोल दूँ तो आप नोट डाउन कर सकते हो शायद मुझसे छूट रहा है कि क्या मुझे अचानक याद आ गया कंप्यूटर टीचर की बात हुई थी टॉमी की फॉर हाउ मेनी डेज टॉमीज मैकेनिकल टीचर वॉज अवे फ्रॉम होम घर से कितने दिनों के लिए टॉमी के मैकेनिकल टीचर अलग थे तो आप जानते हो ऑल दिस मैटर्स हैव बीन कलेक्टेड इन द नोट्स सो चिल्ड्रेन दिस आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व दिस आर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के भी है और कुछ एक दो लाइन में भी लिखना है तो आप इसको कलेक्ट करेंगे यू विल नोट इट डाउन Okay, and that's all for the day. Please note it down. Finally done. Thank you.